तो दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे का जो यूपीआई पिन है वो भूल चुके हैं, अपना गूगल पे का यूपीआई पिन आप रीसेट करना चाहते हैं, दोबारा नया बनाना चाहते हैं बिना एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए गूगल पे अपना ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फोटो शो हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे, आप इस लोगो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगले इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी गूगल पे के साथ आपने अकाउंट लिंक किया होगा वो अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब जिस भी अकाउंट का आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं, रिसेट करना चाहते हैं बिना एटीएम कार्ड के, तो यहाँ पर आपको उस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फॉरगेट यूपीआई पिन, सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया होगा फॉरगेट यूपीआई पिन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कुछ सेकंड वेट करेंगे तो अगले इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डेबिट एटीएम कार्ड, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक आधार का, देख सकते हैं आधार वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आप बिना एटीएम कार्ड के अपने यूपीआई पिन रिसेट करना चाहते हैं तो आधार वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अगला इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 6 डिजिट ऑफ आधार, यानी जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसका स्टार्टिंग का 6 अंक आपको यहाँ पर डालना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसका स्टार्टिंग का 6 अंक आपको यहाँ पर डाल लेना है, और डालने के बाद आपको, चलिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा अपना आधार कार्ड का नंबर स्टार्टिंग का 6 अंक आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एरो का आइकन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे बस कुछ सेकंड आपको वेट करना है, पहला ओटीपी जो आएगा आपको आधार ओटीपी आएगा, नहीं आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। अगर ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं करता है तो मैनुअली यहाँ पर एंटर कर लेंगे, क्योंकि मैसेज के थ्रू आपको ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर राइट टिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा जो आपका ओटीपी आएगा वो बैंक की तरफ से आएगा, वो बैंक वाला ओटीपी भी ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई कर लेता है। अगर नहीं करता है तो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर लेंगे। बैंक ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर राइट टिक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर नया यूपीआई पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को तभी सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है सेम नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको एटीएम कार्ड के थ्रू ही अपना यूपीआई पिन रीसेट करना होगा। अगर आपका अलग अलग नंबर है, यानी आधार कार्ड में अलग नंबर है और बैंक अकाउंट में अलग नंबर है, तो आपका जो आधार वाला ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नया यूपीआई पिन शेयर करना है, तो जो भी आप यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो इंटर कर लेंगे, उसके बाद राइट टिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार कन्फर्म करने के लिए बोलेगा तो फिर से आप दोबारा उसी यूपीआई पिन को इंटर कर लेंगे, और यहाँ पर राइट टिक के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका गूगल पे का यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा।